बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का क्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया क्या है? क्रिया को पढ़ाने से पहले मैं आपके आगे कुछ वाक्य बताती हूँ। एक विवेक है बच्चा, विवेक के विषय में आपको कुछ मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। विवेक रोज सुबह 5 बजे उठता है। उठकर वह ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद वह सैर के लिए जाता है। सैर से आकर वह नहाता है। नहाने के बाद वह तैयार होकर विद्यालय जाता है। तो बच्चों, मैंने देखिए विवेक के विषय में कुछ वाक्य बताए। इन वाक्यों में विवेक जो कुछ कर रहा है वो क्रिया है। जैसे वो सुबह उठता है 5 बजे, उसका उठना क्रिया है। उठकर वह ब्रश करता है, उसका ब्रश करना भी क्रिया है। ब्रश कर वह सैर के लिए जाता है, सैर के लिए जाना भी क्रिया है। उसके बाद वह आकर नहाता है, नहाना क्रिया हुई। नहाने के बाद वह तैयार होता है, तैयार होना क्रिया हुई। फिर वह नाश्ता करता है, नाश्ता करना क्रिया है। फिर वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाना भी क्रिया है। तो बच्चों, साधारण से तरीके से यही मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ किया जाता है, वो सब क्रिया है। तो हाँ बच्चों, क्रिया की परिभाषा यह है कि जो कुछ, जिस शब्द से पता चलता है किसी काम के करने का या होने का, वह क्रिया होती है। अब आइए बच्चों, इस बात को मैं आपको इस अच्छी तरीके से विस्तार से बताती हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। हाँ जी, फिर से एक बार आप परिभाषा देखें। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि जब भी काम हम करते हैं या होता है, सब क्रिया, जैसे खाना पीना, खेलना, उठना बैठना, पढ़ना, सभी क्रिया है। तो बच्चों, इसके बाद हम क्रिया, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी जैसे मैंने आपको उदाहरण बताए। अब हम क्रिया के भेद पर आते हैं। क्रिया के भेद, आइए बच्चों देखते हैं क्रिया के भेद। पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, यहाँ देखिए, सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का कर्म, क्रिया का फल कर्म पर पड़े। फिर से सुने, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन गीत गाता है, अब यहाँ पे कर्म हो रहा है गीत, जैसे मोहन गीत गाता है। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो, अब सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि मोहन क्या गाता है, तो उत्तर आता है गीत गाता है। जहाँ पे हम क्या कैसे करके प्रश्न करते हैं और उत्तर निकल कर आता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। मोहन गाता है, अगर मैं बोलती मोहन गाता है तो वहां पे कर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रिया है और यहाँ पर गीत हो गया तो यहाँ कर्म भी है। तो यहाँ पे क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, मतलब गाता है तो क्या गाता है, गीत गाता है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो ये जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो, क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन गीत गाता है, यहाँ पे क्रिया का फल कर्म पर, यानी कि गीत पर पड़ रहा है। ये है क्रिया का, सकर्मक क्रिया का भेद। अब बच्चों, सकर्मक क्रिया का के भी दो भेद होते हैं। यहाँ आ जाइए, देखिए, एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रिया के एक कर्म का बोध होता है, क्रिया के एक कर्म का, जैसे दीपिका ने माला बनाई, माला बनाना, ये बनाई शब्द जो है बनाना से बना, तो बनाना क्रिया हुई। यहाँ पे क्या बनाया, माला बनाई। कौन सा कर्म किया, माला बनाने का। तो यहाँ पे एक कर्मक क्रिया हो गई। जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रिया के एक कर्म का बोध होता है वो हो गई एक कर्मक क्रिया। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों के द्वारा क्रिया, तो बच्चों हमने जो द्विकर्मक क्रिया पढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया जिन क्रिया शब्दों के द्वारा क्रियाओं के दो रूप वर्णित किए जाते हैं। एक कर्मक में आपने देखा क्रिया का एक कर्म होता है, जैसे दीपिका ने माला बनाई। द्विकर्मक में दो रूप दिखते हैं क्रिया के, जहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण से समझिए, माँ ने बच्चे को खाना खिलाकर सुला दिया। अब माँ ने दो कार्य को किए, कौन सा, एक तो बच्चे को खाना खिलाया और दूसरा क्रिया कौन सी हुई यहाँ पे, सुलाने की। माँ ने बच्चे को खाना खिलाकर सुला दिया। तो ये होती है बच्चों द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आइए कर्म के आधार पर क्रिया के दूसरे भेद, यानी कि अकर्मक क्रिया पे। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। बिल्कुल ठीक, जैसे सकर्मक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा था, अकर्मक क्रिया में
कर्म नहीं होता है तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे लड़कियां हंस रही हैं, अब देखिए यहाँ पे हंसने की क्रिया हो रही है और कौन कर रहा है, लड़कियां कर रही है, तो कर्ता यहाँ पे कर्ता है। तो अकर्मक क्रिया में जिन क्रिया के शब्दों के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। लड़कियां हंस रही हैं, देखो बच्चों ये हंसने की क्रिया हो रही है और यहाँ पे कर्ता कौन है, लड़कियां, बात किसकी हो रही है, लड़कियों की, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। आपने सकर्मक क्रिया में देखा था कि मोहन गीत गाता है, यहाँ पे कर्म आ रहा है बीच में, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, कि वो मोहन गाता है, गाना क्रिया हुई और कर्म क्या हुआ, गीत। यहाँ देखिए अकर्मक में कर्म नहीं दिखा रहे, लड़कियां हंस रही हैं, हंसना क्रिया हुई और कर्ता कौन है यहाँ पे, लड़कियां। तो बच्चों ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हो गए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मुझे लगता है आपको इतना अच्छी तरह समझ आया होगा। अब आइए रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, सबसे पहले रचना के आधार पर क्रिया का भेद सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गांव गया, क्रिया कौन सी हुई, गांव गया, गया जाने की क्रिया हुई। मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पे हूँ, ये भी क्रिया है कि मैं अध्यापक हूँ, हूँ शब्द, सामान्य सी बात हो गई, जहाँ पे सामान्य बातें हो रही हैं, ये होती है पहली क्रिया रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। अब देखिए दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो या, देखिए दो या दो से अधिक पद वाली क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव घर चला गया, देखिए यहाँ पे चला गया, जाने की क्रिया हुई कहाँ, घर। सोहन कंप्यूटर से पढ़ाई करता है, सोहन पढ़ाई करता है किससे, कंप्यूटर से। दो चीजें आ गई, एक तो पढ़ाई का करना, दूसरा किससे, कंप्यूटर से। तो ये दो पद, दो या दो से अधिक पद वाली क्रिया हो गई, दो पद वाली क्रिया हुई तो ये आ गई आपकी संयुक्त क्रिया में। इसके बाद आ जाइए बच्चों, इसकी तीसरी क्रिया है रचना के आधार पर तीसरी क्रिया नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे फिर से सुनिए एक बार, नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ये सब आप जानते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, प्रत्यय आपने पढ़े हैं जो शब्द के अंत में आकर, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। तो इनमें प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया, जहाँ पर प्रत्यय के योग से क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रियाएं होती है। जैसे ये लड़कियां बतिया रही हैं, ये लड़कियां बतिया रही हैं, यहाँ पे बतियाना, बात प्लस इया, बात होती है, बात जानते हैं, बातचीत, बात प्लस इया, इसमें अगर इया प्रत्यय जुड़ गया तो ये बतिया शब्द बन गया, ये लड़कियां बतिया रही हैं, यानी कि ये लड़कियां बातचीत कर रही हैं, यहाँ पे क्रिया हो रही है बात करने की। लेकिन नाम धातु क्रिया कैसे हुई, क्योंकि बात यानी कि संज्ञा में ये या इया जुड़ गया तो क्या हुआ, बतिया, तो ये नाम धातु क्रिया हुई। नाम धातु क्रिया का कुछ और मैं आपको बताऊं, जैसे गर्म होता है, गर्म शब्द है, गर्म से बनता है गरमाना, हाथ से बनता है हथियाना, इस तरह से प्रत्यय का प्रयोग करके ये शब्द बनते हैं नाम धातु के। अब आइए बच्चों, अभी हम रचना के आधार के तीन भेद पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा सामान्य क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया, तीसरा हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कर्ता सीधे सीधे नहीं करता है, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि राजीव घर चला गया, स्वयं चला गया। अब यहाँ पे क्या है प्रेरणार्थक में, कि वो स्वयं ना करके दूसरे को प्रेरणा देता है, दूसरे से करवाता है। जैसे
अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। अब अध्यापक ने छात्र को प्रेरित किया किसके लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए। तो अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। अब बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आइए प्रथम प्रेरणार्थक देखते हैं। जब कर्ता कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है, जब कर्ता कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है, जैसे माँ बच्चे को झूला झुलाती है। यहाँ पे देखिए माँ बच्चे को झूला झुला रही है, यहाँ पे माँ खुद कार्य में लग गई है, प्रेरणा दे रही है, झूला झुला रही है खुद से ही बच्चे को। जैसे आपने देखा माँ बच्चे को झूला झुलाती है, या फिर एक उदाहरण और, जोकर दर्शकों को हंसाता है। अब यहाँ पे क्या, दर्शक हंस रहे हैं, लेकिन किससे हंस रहे हैं, जोकर से। जोकर उन्हें हंसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, माँ बच्चे को झूला झुला रही है। क्रिया बच्चे की भी हो रही है, लेकिन किसके द्वारा, माँ के द्वारा। अब दूसरा देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है। जब कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी और को प्रेरणा देता है उससे कराता है। जैसे माँ से, माँ बेटी से चाय बनवाती है। अब यहाँ देखिए माँ ने खुद नहीं बनाई, बेटी को कहा चाय बनाने के लिए, तो माँ ने बेटी को प्रेरणा दी और उससे कार्य करवाया। माँ बेटी से चाय बनवाती है। या पिताजी धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, वहां पर पिताजी ने किससे कार्य करवाया, धोबी से, उसे प्रेरणा दी। प्रेरणा देने का क्या अर्थ है, कि उसे कहा कि तुम कपड़े धो दो। तो इस तरह से ये हो गई बच्चों आपकी क्रिया के दो भेद हुए, ये रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो बच्चों मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके अलावा हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, वर्कशीट करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा हमें। हम इसे अच्छी तरह समझेंगे प्रश्न उत्तर के द्वारा, बुक पढ़ेंगे आप, ये देखेंगे, उसके अलावा कहीं दिक्कत हो समझेंगे मुझसे।